जो आज जो है फिर वही चैप्टर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का कंटिन्यू करेंगे। हम जो है पहले लिमिट बताई फिर कंटिन्यूटी, आज जो है एक दो क्वेश्चन करके कंटिन्यूटी के फिर जो है डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे। ठीक, जैसे ये पहले ही क्वेश्चन लिख दिया मैंने, कोई क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 13 साइन एक्स, ये बॉक्स में है, ब्रैकेट 4, एक्स की वैल्यू 0 टू पाई है, इफ ए इज इंटीजर ऑफ वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पॉइंट निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी के। क्या है इस पे ये क्वेश्चन है, इस पे पॉइंट निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी के। देखो भाई जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, ए प्लस 13 साइन एक्स, ठीक, और साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाइव करती है, इसमें साइन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1, साइन एक्स की वैल्यू कहां कहां तक करती है, 0 टू 1, बल्कि 0 से 1, 1 भी होता है इसके अंदर, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है 0 से पाई, एक्स की वैल्यू क्या है, देखो साइन एक्स के लिए, एक्स के लिए 0 टू पाई है, साइन एक्स की वैल्यू ये इसमें 0 में, 0 से पाई में क्या जाएगी, 0 आएगी, पाई बाई 2 आएगी और पाई आएगी, ये पाई जो है बॉर्डर 0 टू पाई, 0 से क्या है ग्रेटर है और पाई से छोटा, तो ये पाई साइन 0 कितनी आएगी, साइन 0 इक्वल टू 0, बट इसके अंदर नहीं आया तो इसलिए होल ब्रैकेट आया। अब पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इसके अंदर इंक्लूड आ गया, 0 से पाई की में, 0 से पाई में पाई बाई टू इसके अंदर इंक्लूड हो गया, तो इसके लिए 1, 1 के लिए से यहाँ जो है बड़ा ब्रैकेट आ गया, इसके अंदर ये कन्वर्ज कर रहा है इधर से, और ये 1 इसके अंदर, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 टू 1 आ गई। अच्छा ये इक्वल टू, अब इसको जो है अगर कहीं भी ये क्या है कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं कि आगे ए प्लस 13 साइन एक्स, ए प्लस 13 साइन एक्स कर लेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस 13 साइन एक्स, अब ये जो है, अब ये कहूं कि ये जो है 13 साइन एक्स की कहां तक वैल्यू होगी, अगर 13 साइन एक्स की ये जो है ए आया कहां तक होगी, ये 13 साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1, साइन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1, ये है 13 साइन एक्स, 13 साइन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू, ये क्या जाएगा 0 टू 13, साइन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 0 टू 13, तो इसका मतलब क्या आ गया, 13 साइन एक्स इक्वल टू, 13 साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब तक 13, ये आ गया। अब इसके अंदर जो है ये जीरो जो है स्मॉल ब्रैकेट है, तो जीरो इसके अंदर जाएगा, यहां से शुरू होगी, क्या आ गया 1, 2, क्योंकि एक्स वैल्यू जो है साइन 0 पे 0, 0 है ही, तो 0 है ही नहीं, इसके अंदर 0 से बड़ी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, अच्छा, और यहां से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से इसकी 1/13 आ जाएगी, यहां से कहीं निकालने में 2/13, ये 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13, ये आ गई है।
इस पे क्या कहना है, कितने पॉइंट हो गए डिसकंटिन्यूअस इस फंक्शन से, ये जो है साइन एक्स की वैल्यू आई है, साइन एक्स की वैल्यू 1.13, 2.13, 3.13, 4। अब ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, पूछ रहा है कहीं की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू ना के साइन एक्स की। तो साइन एक्स की ये वैसे तो ये जो कितने पॉइंट आ गए, 13 पॉइंट आ गए, कितना आ गए 13 पॉइंट। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि ये अच्छा अगर हम जो है अगर ये हम ग्राफ खींचना चाहें साइन एक्स का, ये इस तरह खींच साइन एक्स का क्या आ गया ग्राफ इस तरह चाहिए, इस तरह का जाएगा यहाँ ये साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 1/13, यहाँ कितनी है साइन एक्स की वैल्यू 1/13, फिर कितनी है 2/13, आगे कितनी है 3/13। अगर मैं इसको 1/13 को ग्राफ करूँ ये आ जाएगा 1/13, ये क्या आएगा 2/13, इस तरह 3/13, ये इस तरह आते रहेंगे, ये आ गया मान लिया 1/13, ये कितना गया 2/13, ये कितना गया 3/13, ये लास्ट में कितना जाएगा ये आएगा 3/13/13। तो इस पे कितने पॉइंट आ गए, देखो इस पे कितना हो गया 1/13, दो पॉइंट आ गए, कितने पॉइंट आ गए दो पॉइंट आ गए, दो पॉइंट आ गए, ये दो पॉइंट आ गए, ये कितना आ गए दो पॉइंट आ गए, एक तो ये है एक ये है, इसमें एक ये है एक ये है एक ये है एक ये है, इसी तरह ये तो 1/13 का है, ये 2/13 का है, ये 3/13 का है, यहाँ 4/13, 5/13, अब टू यहां तक के 13/13, इस 13/13 में कितने पॉइंट कट कर रहा है, ये सिर्फ एक पॉइंट पर कर रहा है, और ये एक से लेके 12 तक कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट कट कर रहा है 12 पॉइंट पर कर रहा है, तो टोटल पॉइंट कितना आ गए 2 × 12 और 13 का 8, तो 24 + 5 = 25 पॉइंट, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है 25 पॉइंट। देखो भाई क्या है ये सवाल, क्या है सवाल, ये देखो भाई ये कोई फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू इतने, ये ए कोई इंटीजर था, ये इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो इसकी वैल्यू निकालिए कि कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यू, कह रहा जहां भी ग्राफ पैन उठ जाए, जहां भी ग्राफ बनाते हैं वही क्या होता है डिसकंटिन्यूटी होता है। अच्छा ये दे रखा एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस 13 साइन एक्स, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई इंटीजर हो मानिए एक्स प्लस ए हो, ये बता रखा वो ए क्या है इसका इंटीजर हो, क्या हो ए इंटीजर हो, तो क्या लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा जाएगा ई आर एस है, इसको ये बाहर कर दिया यहाँ 13 साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 0 to π है, एक्स की वैल्यू क्या है 0 से π है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 से π में 3π/2 आएगा। अच्छा साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 0, और साइन π/2 वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सेंगे और साइन पाई की फिर जाएगी, तो यानी 0 से 1, 0 से 1 इसके अंदर यह जो बड़ा ब्रैकेट इधर स्मॉल ब्रैकेट लेगा, साइन एफ की वैल्यू क्या आ गई 0 to 1 लाइन करेगी। अच्छा अब दे रखा है 13 साइन एक्स इक्वल टू क्या 13 मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा 13 साइन एक्स की वैल्यू यहाँ 0 से 13 तक की, 0 नहीं है इसके अंदर, फिर 1 से क्या आ गया 13 तक के, 13 इसके नीचे आ जाएगा 1/13। अब मैं इसको ये साइन एक्स का ग्राफ है ये ड्रॉ कर रहा है, इस पे 1/13 की यहाँ लाइन आएगी 2/13 या 3/13, तुम देखो यहाँ हर पॉइंट कितने पॉइंट कट कर रहा है 2 पॉइंट भी कट कर रहा है, यहाँ कोई नहीं यहाँ लेकिन 13/13 होगा, यहाँ एक सिर्फ कितने पॉइंट पर कट करेगा एक पॉइंट पर कट करेगा, तो दोनों ये इंटरसेक्शन करेगा तो दोनों कितना आ गए पॉइंट आ गए 2, हर एक के बाई 1 से 12 तक के, तो 2 पॉइंट आ गए 2 × 2 है प्लस ये एक आ गया 13/13 तो कितना आ गया 24 + 1 कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है भाई अगली बात में तो ये पॉइंट कितना आ गया 25 आ, ठीक
नेक्स्ट टर्न देखो, अब प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूअस फंक्शन की? ये प्रॉपर्टी होती है, लेट लेट एफ एंड जी एफ आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू के। अगर दो फंक्शन है, क्या फंक्शन है? एफ एक्स और जी एक्स कैसे फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, कितने पे? देन तब क्या होगा? सी एफ एक्स, सी एफ एक्स या एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स या एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स या एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। आर कंटिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी इज एंड सी इज एनी कॉन्स्टेंट। क्या कहते चला भाई? देखो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन की? अगर कोई दो फंक्शन है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन, किस पे? एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। तो इसका जो है सी एफ एक्स, सी का मतलब एनी कॉन्स्टेंट नंबर से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, इन फंक्शन को क्या कर दो, चाहे दोनों फंक्शन को प्लस कर दो और चाहे दोनों क्या कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, या दोनों इस फंक्शन को प्लस क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इस फंक्शन में क्या कर दो, या डिवाइड कर दो, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर दो। शर्त क्या है कि जी एक्स जो फंक्शन क्या है, ये किसे डिवाइड कर रहे हैं, वो जीरो ना होने चाहिए, जिस तरह रैशनल नंबर में यही तो था, वो रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू, एक्स क्यू नॉट पेन। तो इस तरह जो है ये रैशनल, ये इसी तरह जो है ये डिनोमिनेटर में है जो जीरो ना होने चाहिए, देन इट विल बी द कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू, यानी द इफ देयर आर टू फंक्शन आर कंटिन्यूअस, देयर प्रोडक्ट सम डिवाइड मल्टीशन एंड मल्टीशन बाई एनी कॉन्स्टेंट इज विल बी टू द कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, अब दूसरी प्रमेय क्या है? इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड जी एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, एट एक्स इक्वल टू ए। अब दो फंक्शन है, क्या दो फंक्शन है? दो फंक्शन है, क्या फंक्शन है? एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है, और क्या है? तो जी एक्स क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, देन देयर प्रोडक्ट, देन देयर प्रोडक्ट नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन,
अगर दो फंक्शन है, क्या फंक्शन है ये? एक कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक दूसरा फंक्शन क्या है, जी एक्स। लेकिन फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूस है, और दूसरा फंक्शन जी एक्स कैसा है, ये कंटिन्यूस है। तो जो द प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, यानी प्रोडक्ट, मानिए फंक्शन है कोई, मानिए फाइव एफ है, फाइव फंक्शन है, फाइव एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, पाई एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, विल नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, दैट फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। सो ये जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, ये कंटिन्यूअस। अच्छा, अगर यानी दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, जब ही जो है कंटिन्यूस होगा उनका प्रोडक्ट, और अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, देन इट नॉट बी नेसेसरी इट विल बी ए कंटिन्यूस। ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस मे और मे नॉट। अच्छा, और तीसरा क्या है, इधर क्या है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ आर टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स इक्वल टू ए, अगर दो फंक्शन है एफ एक्स है और जी एक्स है, बोथ टू आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, देन देयर प्रोडक्ट, देन देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट, then their product phi x, कोई फंक्शन है phi x equal to your f x multiplies g x is not necessary, is not necessary to be a continuous function, to be a continuous function, to be a continuous is not necessary to be a discontinuous, बल्कि क्या, to not necessary to be a discontinuous, to not necessary a discontinuous function. अच्छा देखो, उसमें क्या था कि अगर दो function continuous हैं तो उनका product ही क्या था, will be, should be the continuous function. अब दोनों function क्या है, एक f x है दूसरा g x है, discontinuous है, तो उनकी जो product है वो not necessary, जरूरी नहीं है कि वो जो है क्या हो, continuous, जरूरी है discontinuous हो, may और may not, इन दोनों की function क्या है, discontinuous हो सकती है। एक और देखो, if, ये तीसरा point था, अब ये बोलेगा if एफ एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी एफ इज कंटिन्यूअस, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स कहता है कंटिन्यूस फंक्शन है, जी एफ इज कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फंक्शन है,
एट एक्स इक्वल टू के। दो फंक्शन है, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस, जी एक्स कैसा क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। देन द प्रोडक्ट फंक्शन then product function that product function that product function यानी phi x is equal to f x multiply g x will be continuous function will be continuous function will be बल्कि necessary continuous function will be necessary continuous function at x is equal to 0 at x equal to a if f a equal to 0। क्या खास बात हो गई, देखो इससे पहले जो मैंने पढ़ा था कि इससे पहले जो था अगर दो फंक्शन एक एफ एक्स था कंटिन्यूस एक था जी एफ डिसकंटिन्यूस है तो इसका जरूरत यह था कि इनका जो प्रोडक्ट है वो नेसेसरी नहीं होगा कि इनका प्रोडक्ट यह है कि कंटिन्यूस नेसेसरी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एफ एक्स और जी एक्स फिर वही फंक्शन है इनका प्रोडक्ट नेसेसरी कंटिन्यूस होगा, कितना होगा, नेसेसरी कंटिन्यूस होगा, क्या होगा, नेसेसरी कंटिन्यूस होगा, कैसा होगा, नेसेसरी कंटिन्यूस होगा तो नेसेसरी कंटिन्यूस होगा किस पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। इनका जो प्रोडक्ट है नेसेसरी कंटिन्यूस होगा सब अगर इस फंक्शन की ए पे वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर उस फंक्शन की वैल्यू एफ ए, उस फंक्शन की वैल्यू एफ ए नहीं, पहले फंक्शन की एफ ए फंक्शन जो कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो आ गई तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, नहीं तो नॉट नेसेसरी। फिर से पहले वाली जो है प्रॉपर्टी थी वही अप्लाई है। तो यानी कि दो प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट एक फंक्शन क्या है एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूस है, इनकी प्रोडक्ट नेसेसरी विल बी कंटिन्यूस, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या आनी चाहिए, जीरो। अगर उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जीरो नहीं है, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जीरो नहीं है देन इट शुड बी एट डिसकंटिन्यूस, द प्रोडक्ट विल बी द डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी बताई, क्या प्रॉपर्टी बताई है मैंने, अगर एक एफ एक्स कोई फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन है दोनों कंटिन्यूस है तो देयर प्रोडक्ट सम माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड विल बी टू द कंटिन्यूस फंक्शन। और एक अगर एक एफ एक्स कंटिन्यूस है और जी एक्स क्या है डिसकंटिन्यूस है उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगा नेसेसरली मे नॉट बी कंटिन्यूस, और अगर दोनों डिसकंटिन्यूस है तो उनकी प्रोडक्ट भी डिसकंटिन्यूस नेसेसरी नॉट कंटिन्यूस। अब इसलिए स्पेशल केस है, क्या स्पेशल केस है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों कैसे फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है, इनकी प्रोडक्ट कैसी होगी जरूर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होगी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। कब, इस फंक्शन की ए पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, दैट इज, ठीक है भाई, यही है फंक्शन, ठीक है हमारा, यही है, ये जो है कि प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, आगे बढ़े,
फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एस है लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी इन एन टेंस टू इनफिनिटी लॉग दो प्लस एक्स लॉग टू प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर टू एन साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर टू वन प्लस एक्स की पावर टू एन वन की पावर एट एक्स इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू वन ये एट एक्स इक्वल टू वन ये एक्स टेंस टू इनफिनिटी ये एक्स टेंस टू इनफिनिटी ये फंक्शन है इनका एफ एक्स इक्वल टू इतना है इतना है। अच्छा इसके चेक करना है कि वो जो है कंटिन्यूस है या नहीं है इसके क्या है कंटिन्यूस है। अच्छा देखो अब इसकी मान पर एफ वन की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें क्या निकालते हूँ एफ वन की एफ वन की एट एक्स इक्वल टू वन पे इसको क्या करना है चेक क्या करना है एफ इक्वल टू वन एफ इक्वल टू वन पे कंटिन्यूस है एफ वन की वैल्यू क्या जाएगी लॉग थ्री माइनस लॉग थ्री माइनस के वन की पावर टू कुछ भी कर देंगे सेम रहेगा साइन वन अपॉन वन प्लस वन क्या जाएगा वन प्लस वन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा वन बाई टू log 3 माइनस के 1 साइन वन सी आगे 1 बाई टू log साइन 3 माइनस 1। अच्छा अगर मान लिया ये है x की पावर 2n x की पावर 2n क्या है जब अब हमें क्या पता है इसी फंक्शन में देखूंगा मैं x की पावर 2n देखो x की पावर 2n तो यही कर सकूंगा भाई एक्स की पावर टू एन ये तो कर सकते एक्स की पावर की पावर क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई आएगी एक्स की पावर टू मल्टीप्लाई एन इक्वल टू एक्स की पावर टू एन एक्स की पावर। अच्छा हम जानते हैं क्या जानते हैं हम क्या जानते हैं वी नो क्या जानते हैं भाई ये एन ही है यार यहाँ क्या मान लो एन ही मान लो क्या जानते हैं इस एक्स स्क्वायर लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स की पावर टू एन इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी एक्स की पावर अगर एन जो है कन्वर्ट कर रहा है एक्स की पावर टू अगर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक से छोटी है एक से छोटी है तो क्या आ जाएगी ये जीरो हो जाएगी अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो क्या आ जाएगी इनफिनिटी आ जाएगी जीरो एक तो जीरो हो जाएगी एक क्या जाएगी इनफिनिटी जीरो कब हो जाएगी अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू या एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू क्या है स्क्वायर की वैल्यू क्या है लेस देन वन और एक्स की इसकी वैल्यू हो जाएगी बड़ी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन ये फंक्शन यहाँ एक ये फंक्शन आ गया। अच्छा हम अगर क्योंकि एन जो है इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज कर रहा है जब ये एक से छोटी होगी तो वन बाई टू वन बाई थ्री की पावर इनफिनिटी हमेशा किसकी तरफ जाएगी जीरो की तरफ कन्वर्ट जाएगी और अगर ये वन से बड़ी होगी तो वन की पावर इनफिनिटी इक्वल टू क्या आएगी वन की पावर इनफिनिटी मतलब हमेशा जो है या टू की पावर इनफिनिटी कितनी बढ़ाते रहेंगे तो क्या है इनफिनिटी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अच्छा अब लिखेंगे फॉर अब देखो दो कंडीशन बन गई है एक कौन सी कंडीशन बन गई एक तो कंडीशन बन गई एक्स स्क्वायर लेस देन वन एक क्या कंडीशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मैं पहले इस कंडीशन को देख लेता हूँ क्या होगी फॉर क्या होगी फॉर एक्स स्क्वायर इन लेस देन वन यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब लेस देन वन होगी तो फंक्शन एफ एक्स क्या आ गया लिमिट एफ एक्स की फंक्शन की लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी क्या आ गया log प्लस एक्स log क्या आ गया log
टू प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर टू एन, एक्स की पावर टू एन साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर टू एन, वन प्लस एक्स की पावर टू एन। इक्वल टू, देखो भाई अगर मैं एक्स की पावर टू एन को क्या कर देता हूं, अब यह है, अब इसमें एक्स की पावर टू एन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। एक्स की पावर टू एन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन मतलब जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी है, लॉग टू प्लस एक्स माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, यानी एफ एक्स की वैल्यू एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये आ जाएगी। क्योंकि log 2 plus x minus 0 equal to क्या आ गया, log 2 plus x आ गए, कितने आ गए, log 2 plus x आ गए, कितने आ गए, log 2 plus x आ गए, ठीक है। अब अगर if x square is अब क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, फिर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फिर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ये क्या आ जाएगी, लॉग टू प्लस, पहले लिख रहे लॉग टू प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर टू एन साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर टू एन। देखो ये एक्स स्क्वायर बड़े बड़ा है, एक्स की पावर टू एन दोनों से क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, क्या आ गया, लिमिट एन टेंड्स टू जीरो, ये क्या आ गया, एक्स पावर टू एन दोनों मतलब कॉमन ले क्या आ गया, वन लॉग टू प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर टू एन माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स पावर टू, दोनों यहां से भी कॉमन लिए गए, क्या आ गया, वन अपॉन एक्स की पावर टू एन प्लस वन, ये आ गया, ये आ गया लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक, यहां तो बात नहीं भाई। देखो जब ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन है तो इसकी क्या वैल्यू कहेगी, इनफिनिटू, तो वन अपॉन इनफिनिटू, ये भी जीरो, ये भी जीरो, नीचे क्या बचेगा वन, इधर क्या बच गया माइनस की साइन एक्स, क्या बच गया एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस के साइन एक्स, इधर वैल्यू क्या आ गई इसकी माइनस के साइन एक्स आ गई, और इधर की वैल्यू क्या आ गई लॉग टू प्लस एक्स, लॉग टू प्लस एक्स आ गई। अच्छा अब मान लिया, अब मैं x इक्वल टू एक भी चेक करना था, x इक्वल टू एक, x इक्वल टू क्या करना था, एक को भी चेक करना था, x इक्वल टू एक, एट x इक्वल टू एक क्या आ जाएगा, इस वैल्यू आर एच एल निकाल लूंगा, आर एच एल लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस और एल एल एच एल आ जाएगी, क्या आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस, ठीक है भाई, यानी एफ एक्स इसकी वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की, इसकी भी यही वैल्यू है एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू एक क्या है, एक पॉजिटिव, यानी कि एक प्लस में क्या है, प्लस की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगी, वन की वैल्यू रख के देखो, जब x की वैल्यू
एक से बढ़ी है, एक से क्या है बढ़ी है, जब एक चीज ने एक से थोड़ी सी बढ़ी है तो कहां जाएगी ये कहां है, एक से बढ़ी है, जब एक्स की वैल्यू कितनी है एक से बढ़ी है तो किसकी वैल्यू आ रही है माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स, तो वन की वैल्यू क्या आएगी साइन वन, साइन वन। और जब इसकी एक की वैल्यू माइनस में है, माइनस में कितनी है इसकी लेस देन वन है, तो कौन सी वैल्यू आएगी लॉग टू प्लस एक्स, लॉग यानी लॉग टू प्लस वन इज इक्वल टू लॉग थ्री, जो क्या आ गई लॉग थ्री आ गई, ये आ गई माइनस साइन वन और ये क्या आ गई साइन थ्री। और ये दोनों इक्वली है ना, तो ये साइन वन की वैल्यू और ये लॉग थ्री की वैल्यू क्या है इक्वल नहीं है, तो ये एफ इज नॉट, दिस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। देखो सवाल क्या आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी टू लॉग टू प्लस एक्स की वैल्यू, इसे कंटिन्यूटी चेक करने की एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पे इस पे जो है मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी थी, इसको करता हूँ कंटिन्यूटी चेक। अब पहले मैं जो है वैल्यू की वैल्यू, पहले इसकी क्या है वैल्यू निकाल देता हूँ, क्या निकाल देता हूँ इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ एफ वन पर, क्योंकि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और इसकी फंक्शन की वैल्यू और क्या होनी चाहिए फाइनाइट इक्वल होनी चाहिए, तो अब इसकी एफ वन की वैल्यू यहां से लगा दी मैंने लॉग थ्री माइनस लॉग ई आ गई वन बाई थ्री आ गई। अच्छा अब इसकी फंक्शन को ब्रेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे देखा कि एक्स की पावर टू एन है, एक्स की पावर टू एन है, एक्स की पावर टू एन है, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर एक्स की वैल्यू एक्स एक्स की पावर टू एन को लिख दिया था मैंने, एक्स की पावर टू एन को क्या लिखना था एक्स की पावर टू की पावर एन, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक पे ग्रेटर देन होगी एक लेस देन, जब लेस देन वन होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और जब ग्रेटर देन होगी इंफिनिटी हो जाएगी। फॉर एक्स इक्वल टू एन लिमिट चेंज टेंड्स टू इंफिनिटी क्या है लॉग टू प्लस एक्स लॉग माइनस एक्स की पावर टू एन साइन एक्स ये आगे अपॉन वन प्लस एक्स की पावर टू एन। अच्छा इसकी वैल्यू जब जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है लेस देन वन है तो डायरेक्ट क्या रख लूंगा मैं, डायरेक्ट वन लेस देन जीरो रख लूंगा मैं, तो जीरो रख के क्या आ गया लॉग टू प्लस एक्स। ठीक अब अगर ये अब इसी तरह ये एन स्टैंड टू सी टू जब इस पे किसी जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी इसकी फंक्शन क्या आ गया ये आ गया ये एक्स की पावर टू एन दोनों से पढ़ने से कॉमन टकरा के ये आ गया साइन एक्स क्या आ गया माइनस के साइन एक्स। और अब इसमें एक भी चेक करनी है एक की एक फंक्शन की तो वैल्यू आ गई एल एच एल भी आ गई और आर एच एल भी निकाल ली मैंने, वन एक्स बिलोंग्स टू वन प्लस पे क्या निकाल दिया आर एच एल और एल एच एल निकाली एक्स बिलोंग्स टू वन माइनस एफ एक्स पे, तो इसकी क्या आ गई लॉग क्या आ गई लॉग प्लस वन ये आ गई लॉग थ्री। अब देखो ये फंक्शन एल एच एल और आर एच एल क्या है नॉट इक्वल, क्या है क्या है एल एच एल और एच एल क्या है इसमें इक्वल नहीं है एंड द फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू वन। ठीक है आई बात समझ इतनी। आई बात आगे बेटा भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आईआईटी में और। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखो यहां एक तो फंक्शन है, यहां क्या है फंक्शन है और यहां क्या है इंटरवल है,
यहाँ फंक्शन कोई एफ एक्स है, यहाँ क्या है इंटरवल है, एट इंटरवल बीच एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन है, ये क्या है 13-14 फंक्शन लिखा हुआ है, ये 13-14 फंक्शन लिखूंगा, एक फंक्शन लिखूंगा और इस पर इंटरवल पे कहाँ है कंटिन्यूस है कहाँ नहीं है ये पता है बहुत सारा आपको। ये एक होता है कॉन्स्टेंट, नंबर एक क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कहाँ होता है, कॉन्स्टेंट कहाँ होता है, होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पे, ये कंटिन्यूस होता है कॉन्स्टेंट। एक होता है एक्स की पावर एन, एक्स पावर एन वेयर एन इज इंटीजर, एन इन इंटीजर, ये भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पे ये कंटिन्यूस होता है एक्स की पावर एन। और ये होना चाहिए ये एन इज ग्रेटर देन जीरो, एन इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू जीरो, ये माइनस एक्स की पावर एन, माइनस एक्स की पावर एन वेयर एक्स की पावर माइनस एन, एक्स की पावर क्या आना चाहिए एक्स की पावर माइनस की एन, एक्स की पावर माइनस की एन, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर एन इज, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस ए एन ए आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई आ जाएगी। अगर मोड एक्स माइनस ए, मोड एक्स माइनस ए एक्स, ये भी जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे ही हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई क्या है फंक्शन है, मान लो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल है, ये मान लो ये है ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, ए एन एक्स की पावर जीरो एन माइनस एन, इस तरह है, इस तरह का फंक्शन है ये ए की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये इस तरह का फंक्शन है, ये भी कहां पर होगा, ये भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा, ये तो इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, दो चार पांच छह, एक और छह ले लो। एक क्या होता है, एक अगर कोई फंक्शन है पी एक्स अपॉन एफ एक्स अपॉन पी एक्स, या पी एक्स अपॉन जी एक्स लिख लो, मान लो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्या होगा ये माइनस, ये भी होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से होगा, ये भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे ही कंटिन्यूस होगा, लेकिन शर्त क्या है माइनस उस वैल्यू पे नहीं है, उस वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस पे नहीं, वेयर जी एक्स इज इक्वल टू जीरो या जीरो नहीं है जीरो, इस तो जहां जीरो इसे छोड़िए, एक दो तीन चार पांच छ, तो फिर यहाँ यहाँ फंक्शन लिख लूंगा, यहाँ क्या है फंक्शन, अब यहाँ क्या आएगा क्वीन सेक्शन क्या आएगा, यहाँ भी क्या है ये कंटिन्यूस है, ये क्या है कंटिन्यूस है जिस इंटरवल पे, जिस फंक्शन पे ये इंटरवल है, तो जिस जो फंक्शन जो है कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे है। अब है साइन एक्स, अब क्या है साइन एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फिर है कोस एक्स, कोस एक्स क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोस एक्स क्या है माइनस इन्फिनिटी टू
इंटू सी है टेन एक्स, ठीक क्या है, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी माइनस माइनस टेन एक्स क्या आता है माइनस इनफिनिटी टू माइनस इनफिनिटी माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू सच दैट एन डोंट टू साइन ये हो गया दस नौ हो गए दस को क्या आ गया कोट एक्स कोट एक्स माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी माइनस एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू आई ग्यारह ग्यारह आ गया एन बिलोंग्स टू आई बार बार क्या आ गया साइन sec x cosec x क्या आ गया sec x क्या क्या माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई थ्री एन पाई बारह क्या आ गया cosec x बारह क्या आ गया cosec x की क्या आ गया माइनस टू इनफिनिटी इंफिनिटी माइनस इनफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस टू एन पाई एन बिलोंग टू पाई एन पाई एन पाई तेरह क्या है तेरह है ई की पावर एक्स क्या आ गया माइनस इनफिनिटी टू इंफिनिटी और फिर है लोग एक्स क्या आ गया लोग एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो टू इनफिनिटी लोग एक्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो टू इनफिनिटी ये जो है चौदह फंक्शन है इंपोर्टेंट। अब ये जो है किस फंक्शन किस पे ये इंटरवल पे ये कंफ्यूज होते हैं, जैसे एक कोई कांस्टेंट है कांस्टेंट कहाँ रहेगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स की पावर एन कहाँ रहेगा जहां वेयर एन इज ग्रेटर देन जीरो माइनस टू इनफिनिटी एक्स की पावर माइनस एन क्या रहेगा वेयर एन इज माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी माइनस ये जीरो इसमें से हट जाएगा जीरो ना हो और मोड एक्स माइनस एम माइनस टू इन्फिनिटू ये कोई पॉलिनोमियल है ये भी माइनस टू इन्फिनिटू और ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये सिर्फ एक्स की जो फंक्शन की वैल्यू जिस पे जीरो रहेगा उसको हटा के सभी जो है माइनस टू इन्फिनिटू रहेगा। इस तरह ही साइन एक्स माइनस टू इन्फिनिटू कोस एक्स माइनस टू इन्फिनिटू इन्फिनिटू टेन एक्स की वैल्यू ये लगी माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू ये याद कर लेना है कोट एक्स में माइनस एन पाई सेक एक्स में भी यही है और कोसेक एक्स में टू एन पाई ई की पावर एक्स में माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी और लॉग एक्स में जीरो टू इनफिनिटी। अब इसमें से इनमें से एक आधा क्वेश्चन हम लगाएंगे कि किस तरह इनमें से क्या होता है, ठीक है, इनको याद कर लेना उनको ताड़ लो फिर रब करते हैं, ठीक है।
क्या है ये, लेट एफ एक्स इज ए डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर लेट एफ एक्स इज ए डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एफ एक्स इज ए डिस्कंटिन्यूअस फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस यू स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस यू स्क्वायर प्लस क्या है वन माइनस यू स्क्वायर फोर टू प्लस यू स्क्वायर क्या है टू प्लस यू स्क्वायर वेयर यू इज इक्वल टू क्या है कोई फंक्शन है एफ एक्स क्या है एफ एक्स क्या है ये कंटिन्यूस है यू इक्वल टू टेन एक्स लेट u इज इक्वल टू टेन एक्स इज यू टेन एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट टेन एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई टू फॉर एन एन बिलोंग्स टू पाई एन बिलोंग्स टू पाई और एक कोई बोल क्या है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल एक्स बिलोंग्स टू आर एट एक्स बिलोंग्स टू ऑन एक्स बिलोंग्स टू आर ऑन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू एन बिलोंग टू पाई देखो ये है सवाल अब ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर द एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस यू स्क्वायर प्लस टू ये कोई फंक्शन है यू इज इक्वल टू टेन एक्स यू इज इक्वल टू टेन एक्स अगर यू इज इक्वल टू टेन एक्स है इफ यू इज इक्वल टू टेन एक्स है एफ एक्स जो फंक्शन है ये जो है इस पे क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है इस पे और अगर कंटिन्यूअस है तो ये क्या आता है एक्स बिलोंग टू आर एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू एन बिलोंग पाई ये हो जाता है ठीक है अब अगर क्या करता हूं मैं इस फंक्शन पे इसकी लिमिट निकाल लेता हूँ इसी फंक्शन पे इसी फंक्शन ये तो खेल है ना वो माइनस बताया था मैंने किस इंटरवल पे क्या होता है नहीं होता है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता तो इसके इस फंक्शन से क्या निकाल लेता हूँ मैं लिमिट निकाल लेता हूँ क्या निकाल लिमिट एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू एन क्या है एन प्लस पाई बाई एन पी प्लस पाई माइनस पाई बाई टू एफ की पावर इस एफ एक्स फंक्शन की क्या निकाल लेता हूं मैं इसकी क्या लेता हूं लिमिट निकाल लेता हूं ठीक इज इक्वल टू अच्छा अब ये है यू इज इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर है तो ये अब इसे ये भी कर सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं इसे इक्वल टू लिमिट यू स्क्वायर टेंस टू इनफिनिटी वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर ये आ गई वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर अच्छा अब अगर यू स्क्वायर इक्वल टू ये लिमिट निकाल लो लिमिट यू टेंस टू यू स्क्वायर टेंस टू जीरो इन दोनों में क्या कॉमन ले लो यू स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन यानी वन अपॉन यू स्क्वायर माइनस के वन इसलिए आ जाएगी टू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन यू स्क्वायर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर आ गई क्या आ गई है क्या जाएगा माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन क्या आ जाएगा ये माइनस वन अपॉन वन इक्वल टू क्या आ गया माइनस
फिर फंक्शन की वैल्यू जो है लिमिट यूज यूज कैट टू इनफिनिटी पे क्या आ गई है, ये आ गई। अच्छा, और जो एफ एक्स की वैल्यू है, जो ये एफ एक्स फंक्शन की जो वैल्यू है, अब मेरे को क्या फंक्शन आ गई, अब जो एफ एक्स की जो फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स, जो एफ एक्स जो फंक्शन है, यानी कि मेरा क्या एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, वन माइनस यू स्क्वायर, एक तो जो फंक्शन है वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर, एक तो फंक्शन की है ये वैल्यू एफ एक्स की, वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन, एक माइनस की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, ये क्या आ गई माइनस वन, एक माइनस वन कब आ गई, मैंने कितनी आ गई है माइनस वन, एक्स इक्वल टू कितना आ गया एन पाई प्लस माइनस फाइव बाई टू, इसपे इसपे कितने आ गए वन माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर सब है यो, अगर ये है एक्स एक्स नॉट इक्वल टू, एक्स नॉट इक्वल टू क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस फाइव बाई टू एंड यू इक्वल टू टेन, ये अब आ गई है, अब देखो अब आ गई है फंक्शन, अब मेरा फंक्शन बन गया, क्या फंक्शन बन गया ये, कि इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या होगी एक्स इक्वल टू एन, ये वैल्यू कब होगी इक्वल टू टेन एक्स पे, कब होगी अगर एक्स की वैल्यू एन, अगर एक्स की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं इसकी एन प्लस फाइव बाई टू प्लस इसका फंक्शन पे एफ एक्स, ये निकाल लेता हूं मैं, अरे यू इक्वल टू क्या है टेन एक्स, यू इक्वल टू क्या है टेन एक्स है, जब एन पाई प्लस माइनस फाइव बाई टू की तरफ कन्वर्ट जाएगा ये, तो ये क्या जाएगा ये इनफिनिटी की तरफ जाएगा, टेन एन पाई बाई टू जाएगा ना, टेन एन पाई बाई टू प्लस माइनस फाइव बाई टू, ये है ठीक है, तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा अब देखो, अब ये आया कहाँ से है, देखो ये क्या है सवाल पे ऐसे हटके हटके हम नहीं कुछ करते हैं, कोई फंक्शन है एफ एक्स भी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, क्या है पर एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस के यू स्क्वायर, और यो यू इक्वल टू टेन एक्स है, टेन एक्स इज द डिसकंटीन्यूअस एट एक्स प्लस एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, और एफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है कितने बार आ इसमें माइनस आर माइनस एन पाई बाई टू माइनस, अब देखो अब ये अब इसी पे इसकी लिमिट निकाल देता हूँ, एफ टेन टू एन पाई पाई बाई टू इस फंक्शन पे इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, अब कहीं ना कहीं ये जो है जब इसकी वैल्यू निकाल लूंगा एक्स इक्वल टू जो है इस पे वैल्यू निकाल लूंगा, तो यू जो है जो यू क्या कहाँ की तरफ जाएगा कन्वर्ट करेगा इन्फिनिटी की तरफ, ये दोनों इसकी इन्फिनिटी वैल्यू आ गई, ये आ गई माइनस वन, ये आ गई वन माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या मतलब है एफ एक्स, यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी क्या आ गया एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, यानी जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एट एट द पॉइंट एट द पॉइंट एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, इस फंक्शन पे, इस फंक्शन पे कैसी होगी हो, और एन जो है बिलोंग्स टू और ये जो है रिमूवेबल कंटिन्यू, कौन सी कंटिन्यू होगी रिमूवेबल कंटिन्यूटी होगी, इस फंक्शन को छोड़ के सब पे जो है ये जो है इस पे क्या होगा कंटिन्यूस हो जाएगा, क्या आएगा एक्स इक्वल टू एन पाई बाई टू पे इस पे हो जाएगी, और इस पे कंटिन्यूस इसकी वैल्यू की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आएगी इक्वल हो जाएगी, क्या आएगी इक्वल रिमूवल डिसकंटिन्यू हो जाएगी इस पे एट एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, इस पे फोर एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एन इज बिलोंग्स टू आई, ये कोई ठीक है आगे सुनो आगे बेटे भाई,
अच्छा अब देखो, अब मेरा टॉपिक आता है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या आता है? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी 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 से पहले क्या बताया था मैंने? एक तो लिमिट बताया था। क्या बताया था? लिमिट। लिमिट लिमिट में क्या था? आर एच एल इक्वल टू एल एच एल आ जाए तो कहते हैं फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या करेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। और मैंने फिर पढ़ाया इसके बाद कंटिन्यूटी। इसके बाद क्या पढ़ाया? कंटिन्यूटी में क्या था? आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू कोई फंक्शन एट फंक्शन कोई एफेक्ट की फंक्शन की इफेक्टिव एट एफ इक्वल टू ए पर। इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई थी? एफ ए इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू फाइनाइट। ये क्या कहते हैं? ये कहते थे कि हम जो है ये फंक्शन जो है डिफरेंशियबल है। क्या है ये फंक्शन? क्या है नहीं, ये फंक्शन क्या है? लिमिट है। कहने के लिए था कंटिन्यूटी। और अब हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा? डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा? फंक्शन एल एच डी लेस एट डी इक्वल टू आर एच डी, यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। यानी फंक्शन की है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कहने की होनी चाहिए, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए साथ में? फाइनाइट। यहां आर एच एल का राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू क्या होनी चाहिए? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि इसको इसको किस तरह दिखाते हैं? फंक्शन की मान लिया फैक्ट एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। अच्छा अब इसकी क्या है? एल एच डी, एल एच डी इसे दिखाते हैं। एल एच डी एफ डैश ए, एफ एल एच डी कितनी दिखाते हैं? एफ डैश ए। और आर एच डी क्या हो? आर एच डी राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? एफ डैश ए। ये तो माइनस हो जाता है, ये प्लस है। एल एच डी क्या आएगा? एफ डैश ए माइनस, ये क्या आएगा? एफ डैश ए प्लस। ये आर एच डी क्या होता है? ये आर एच डी मतलब एफ डैश ए कह के इक्वल हो जाता है आर एच डी, यानी एफ डैश ए लिमिट एच डैश टू बी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, एफ ए प्लस एफ लिमिट एच डैश टू बी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और एल एच डी क्या आ जाएगा? एल एच डी एफ डैश ए माइनस क्या आएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये कहते हैं, ये होता है कंटिन्यूटी। ये क्या कहता है? कंटिन्यूटी। देखो भाई, लिमिट ही पढ़ लिया था हमने, फिर यह है ये कंटिन्यूटी पढ़ ली। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी में है कि जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है वो क्या की होना चाहिए? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए, और दोनों क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? फाइनाइट। यही है, दैट इज वी कैन से इफ सच कंडीशन इज सेटिस्फाइड एल एच डी इक्वल टू आर एच डी देन वी कैन से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एफ इक्वल टू ए। एल एच एफ डैश ए एल एच आर एच डी क्या होगा? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए पॉइंट एच। और एल एच डी होगा एफ डैश ए एस डैश एफ ए माइनस ए एस माइनस एफ ए कौन माइनस के एच। इस पर क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल का, ठीक है? फिर देखते हैं।
फंक्शन है नहीं, नहीं कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स, एक्स मोड एक्स, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एफ इक्वल टू जीरो। ये कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखो भाई इसके जो x की जो है दो कंडीशन होंगी, इफ x इज ग्रेटर देन, एक तो कंडीशन हो सकती है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक क्या होती है x इज लेस देन जीरो, दो कंडीशन हो सकती है इफ, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। अगर इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, मोड x क्या है इक्वल होगा x के, x मल्टीप्लाई x क्या आ जाएगा ये एफ स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर। इफ एक्स इज लेस देन जीरो, इफ एक्स इज लेस देन जीरो जाएगा ये क्या आएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या आ जाएगा ये माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा ये एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसमें वही है, पहले क्या निकालू राइट हैंड लिमिट, फिर क्या निकालू इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालता हूँ पहले क्या निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इस पे एफ इफ यू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी एफ डैश जीरो प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच आर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ जीरो प्लस एच माइनस, अच्छा जब एच जो है जीरो बड़ा होगा तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी ये आएगी एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर वाली है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच का स्क्वायर माइनस जीरो, एफ अगर जीरो है तो जीरो की भी क्या आ रही है एफ जीरो, एफ की वैल्यू जीरो पे भी क्या आ रही है, और क्या है जीरो क्या है जीरो से बड़ा है, क्या है एफ जीरो पे जीरो अपॉन एच, अपॉन एच इस फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो पे कितनी आएगी, ये है ना एफ जीरो पे तो हमेशा जीरो आएगी, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, इस फंक्शन की है वो फंक्शन ये है फंक्शन एफ एफ इक्वल टू एक्स मोड एक्स, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, तो इस फंक्शन की एफ जीरो पे कितनी आ गई फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जीरो ही आएगी, जीरो ही आएगी एफ जीरो इक्वल टू जीरो, क्या है लिमिट एच टेंस टू जीरो एच का स्क्वायर अपॉन एच इक्वल टू एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो ये एच टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो और ये एच आ गए इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू भैया जीरो आ गई, वैल्यू क्या आ गई है जीरो आ गई। अच्छा अब मैं इसकी जो है एल एच डी निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ उसकी एल एच डी, एल एच डी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी एफ डैश जीरो माइनस एफ डैश जीरो माइनस एच क्या जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, एफ जीरो माइनस एच क्या आ गया देखो जीरो है छोटा जीरो से लेस देन भैया जीरो से लेस देन जीरो से लेस देन कहां है कहां जीरो से लेस देन ये है माइनस जीरो माइनस एच का स्क्वायर क्या आएगा माइनस जीरो माइनस एच का स्क्वायर माइनस एफ जीरो वैल्यू वैन अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो,
क्या आ गई माइनस के एच, यहां क्या आएगी माइनस के एच भी आ जाएगा। अच्छा अब ये क्या आ गई लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो ये क्या आ गई माइनस एच का स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, ये क्या आ गई लिमिट यहां से लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच का स्क्वायर अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो माइनस एच इक्वल टू जीरो, क्या आ गई जीरो आ गई। जब इस फंक्शन की एल एच डी आर एच डी कितनी आ गई, ये भी जीरो आ गई और एल एच डी भी कितनी आ गई जीरो लिखेंगे, हैंस एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू हैंस द फंक्शन द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एफ इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आई बात समझे भाई यहां तक, देखो भाई क्या है अगर किसी भी फंक्शन की, देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, किसी भी सब पहले क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं लिमिट ठीक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज द पार्ट ऑफ द लिमिट, दैट इज द पार्ट जो हमने पहले कर चुका लगभग वही है जो हमने पहले कर चुका वही है। देखो एफ एफ कोई फंक्शन है यूनिट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स 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 इक्वल टू मोड एक्स, इसकी चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करनी है। अच्छा जब एक्स इक्वल टू चेक करनी है जीरो पे तो मैं क्या करूं जीरो पे दो दो कंडीशन होगी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या एक्स इज लेस देन जीरो, अगर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगी एक्स का स्क्वायर आ जाएगी, क्या आ जाएगी एक्स का स्क्वायर, अगर इज एक्स इज लेस देन होगा क्योंकि मोड एक्स इक्वल टू एक्स और इज लेस देन होगा तो कितना जाएगा मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा जो एक्स माइनस एक्स जाएगा एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, और अगर ये मोड एक्स पॉजिटिव है तो क्या जाएगा ये यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना जाएगा ये एक्स का स्क्वायर, कितना जाएगा ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मैंने की आर एंड डी यानी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या आ गई एफ डैश जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, एफ जीरो जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कहाँ है ये कंडीशन है यानी जीरो एक्स का स्क्वायर यानी एफ जीरो जीरो प्लस एच का स्क्वायर, क्या आएगा जीरो प्लस एच का स्क्वायर जीरो प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ जीरो एफ जीरो की वैल्यू अपॉन एच का स्क्वायर, जीरो प्लस एच का स्क्वायर अपॉन एच इसे सॉल्व कर लेंगे जीरो आ गया। ठीक सिमिलरली एल एच डी लिमिट डैश हैंड डेरिवेटिव में एफ डैश जीरो माइनस के क्या लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच का स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर माइनस एच माइनस से मैच जाएगा, ये भी वैल्यू क्या आ गई इसकी ये भी वैल्यू जीरो आ गई, ये भी वैल्यू क्या आ गई इसकी जीरो आ गई। ये फंक्शन जो है अब कोई भी अगर फंक्शन में चेक करूंगा इस पे ये देख लेंगे कि ये फंक्शन एल एच डी और आर एच डी दोनों जो है इसकी निकाल लेंगे, ठीक है और देख लें दोनों इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड द फंक्शन इज डिफरेंशियल। ठीक आगे बढ़े, अच्छा यहीं तक के चलो ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, इसके कुछ एग्जांपल सेट करेंगे जो आईआईटी में डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, ठीक है आज के इतना ही। Thanks.